चलो है ना। तो हमने कल क्या है 27 नंबर के सूर्य तक हमने देख लिया था कि चंद्रमा में संयम करने से क्या है, हमको तारों का जो व्यू है उनकी उनके बारे में पता चल जाता है। अब उसके बाद कंटिन्यू हम लोग क्या है विभूति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद 28 नंबर का जो सूत्र है उसमें कहते हैं ध्रुवे तद गति ज्ञानम, है ना। तो ध्रुवे का अर्थ क्या है, ध्रुव मैडम तारा। ने मैडम तारे का मतलब आकाश में जो तारे उनकी बात हो रही है ना, जी सर, तो इतने सारे तारों का ज्ञान हो जाएगा हमें। इसमें ऐसा दिया है सर, एक्चुअली ये मैं रिसर्च का पूछ रहा हूँ। टॉपिक है। अच्छा ओके, तो ओके, इसको अगर कोई योगी करेगा तभी जा करके समझ में आएगा, है ना। तो इसके लिए हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा कि नो कि किसी ने ऐसा अचीव किया है कि नहीं किया है, और ये एक्चुअल में रिसर्च का टॉपिक है। ओके, तो अभी हम लोग एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ध्रुवे तद गति ज्ञानम, है ना। तो ध्रुवे का अर्थ है यहाँ पर ध्रुव तारा से। लेकिन इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा है, तारे के बारे में, कि हमको क्या है तारों का जो व्यू है उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर तद का अर्थ उन तारों से है, ठीक है। तो तद गति ज्ञानम अर्थात उन ताराओं के गति का ज्ञान, क्या बोलते हैं, ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ पर ध्रुव तारा में संयम करने के लिए इस कारण बोला गया है क्योंकि ध्रुव तारा क्या है, स्थिर रहता है ना। तो इसी कारण से क्या है, मतलब विवाह इत्यादि जब होते हैं, है ना, तो ध्रुव तारा को साक्षी मान करके क्या है वचन वगैरह दिया जाता है, क्योंकि वो क्या है स्थिर है। तो जो चीज ऑलरेडी स्थिर है उसी का क्या है हम लोग शपथ इत्यादि लेते हैं, है ना। और अब ये चीज स्थिर है तो इसी के हिसाब से कोई चीज मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको जान पाएंगे। जैसे कि क्या बोलते हैं, हम लोग जब बस में बैठे रहते हैं, है ना, तो ऐसा लगता है हमको कि बाकी चीजें क्या बोलते हैं जा रही है करके, गति कर रही है करके, पेड़ पौधे हुए हमको ऐसे चलते हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं ऐसा, क्योंकि उस समय हम स्थिर है ना। तो इस कारण से बाकी चीजें क्या है जो गति हो रही है वो हमको पता चल रहा है। तो उसी तरह इसमें से क्या है, ध्रुव तारा स्थिर है ना। आप लोग एग्जाम्पल को पता नहीं किस तरह से रिलेट करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर स्थिरता से लेना है। अगर कोई चीज स्थिर है तो उसके कंपेरिजन में जो वस्तु गति कर रही है उसका अनुमान होता है। तो ध्रुव तारा स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, तो इस कारण से बाकी तारे क्या है गति कर रहे हैं, है ना। जैसे चंद्रमा भी क्या है, एक तारा ही है, सॉरी, सूर्य भी क्या है, एक तारा है, लेकिन सूर्य क्या है, स्थिर है ना। तो उसी तरह ध्रुव तारा भी क्या है, तारा है, और बाकी जो तारे हैं वो गति कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमको ज्ञान हो जाता है। जैसे कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सूर्य स्थिर रहता है लेकिन बाकी जो ग्रह हैं वो गति कर रहे हैं ना। तो उसी तरह से ध्रुव तारा स्थिर है और बाकी तारे गति कर रहे हैं, तो इस कारण से इस पर संयम करने से हमको क्या है उनकी गति का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए, अर्थात कौन तारा किस समय में किस राशि और किस नक्षत्र पर जाएगा इसका पूरा ज्ञान हो जाता है। ये क्या है, राशि नक्षत्र इत्यादि क्या है, ये क्या बोलते हैं जी, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, है ना, उसका पार्ट है। तो इन सब के फिजिक्स का भी पार्ट है एक्चुअली ये सब। तो इन सब में जाएगा, जैसे गति करेगा ये तारा, तो उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सूत्र है, उसमें कहते हैं नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, ठीक है। तो नाभि चक्र में संयम करने से काय व्यूह ज्ञानम, काय का अर्थ शरीर और व्यूह मतलब क्या, उसकी संरचना स्थिति, उसके बारे में हमको ज्ञान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर नाभि चक्र को ही क्यों लिया गया है ना। तो क्या बोलते हैं, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में पता करना है ना, उसका भी पहले हम क्या है उसके सेंटर के बारे में पता करते हैं, है ना, कि उसका केंद्र बिंदु क्या है। तो अब हमारे शरीर का केंद्र बिंदु क्या है, हमारा नाभि, तो इस कारण से हम उस पर संयम करते हैं तो हमें शरीर की स्थिति के बारे में ज्ञान हो जाता है। तो नाभि में स्थित जो चक्र है उसमें क्या है, शरीर की समस्त नाड़ियां गुथी हुई है। अच्छा चलिए बताइए, हम लोग चक्रों के बारे में पढ़ते हैं, तो नाभि में कौन सा चक्र स्थित है हमारा, मणिपुर, मणिपुर। स्वादिष्ठान तो होगा, स्वादिष्ठान नाभि मणिपुर है मैम, मणिपुर है। में मणिपुर चक्र स्थित है। यस, मैंने भी तो वही बोला।
है, तो नाभि में स्थित जो अच्छा जबड़े जी हैं, हाँ, तो उसमें क्या है, शरीर की समस्त ठीक नाड़ियां गुथी हुई है, मतलब यहाँ पर आकर के मिलती है, और उसमें संयम करने से शरीर के व्यूह का ज्ञान हो जाता है, अर्थात शरीर का संगठन किस प्रकार हुआ है, कौन कौन सी धातु किस प्रकार कहाँ स्थित है, और इन सब का समस्त नाड़ियों से क्या है, योगी को पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है, मतलब यहाँ पर से निकल करके, मतलब यहाँ पर आकर के सारी नाड़ियां मिली हुई है, तो अब वो कहाँ कहाँ पर जा रही है और किस तरह से शरीर का निर्माण हुआ है, इसके द्वारा क्या है, हमको शरीर के बारे में, उसके संगठन के बारे में पता चल जाता है। फिर उसके बाद 30 नंबर का सूत्र मैडम, क्या है, एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बाद है। पता नहीं सर, है ना, ये फिलॉसफी है। चलिए, अच्छा मैं एक चीज कह रही थी आप लोगों को, है ना, ये देखिए टफ नहीं है, वन लाइनर चीज है, तो इस कारण से आप लोग याद रखिएगा, बस एक लाइन में लिख लीजिए, इस पर संयम करने से इस चीज के बारे में ज्ञान होता है। अब उसके बाद बोल रहे हैं कंठकूपे छुत्पिपाशा निवृत्ति, ठीक है, तो कंठकूपे अर्थात क्या, ये जो हमारा जब जालंधर बंद हम करते हैं तो जहां पर लॉक करते हैं, 1 मिनट, क्या बोलते हैं ये जो गड्ढा रहता है उसको, व्याख्या पढ़ते हैं तब समझ में आएगा ना, एग्जैक्टली वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। जालंधर का उद्यान लगाते हैं हम, कंठ हाँ, ठीक है, तो ये जो कूप, लॉक करते हैं ना, कंठ कूप बोलते हाँ हाँ कंठ हैं, कूप, कंठ है कूप ना, बोलते हैं। हाँ, तो कंठ कूप में संयम करने से क्या है, क्षुधा, ठीक है, क्षुत मतलब क्या बोलते हैं, भूख, ये क्षुधा वर्ड से बढ़ रहे हैं, और पिपासा का अर्थ होता है प्यास, और निवृत्ति अर्थात क्या, उसे मुक्ति मिल जाती है, वो समाप्त हो जाता है। तो कंठकूप में जब हम संयम करते हैं तो भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। तो जिह्वा के नीचे एक तंतु है जिसे जिह्वा मूल कहते हैं, और उसके ठीक नीचे कंठ है, और उसी के नीचे में जो गड्ढा है उसी को क्या कहते हैं, कंठकूप कहते हैं, और उस पर जब हम संयम कर लेते हैं तो भूख प्यास की बाधा मिट जाती है। इसमें यह कारण बतलाया गया है कि उस कंठकूप से प्राणवायु टकराती है और उसी से भूख प्यास की बाधा होती है, और उसमें संयम करने के बाद क्या है, वह नहीं होता, मतलब वो प्राण वायु वहां पर टकराती है, इसी कारण से हमको भूख प्यास लगता है, तो अगर हम उस पर संयम करेंगे तो भूख प्यास से क्या है, हमको निवृत्ति मिल जाती है ना। जैसे कि मतलब देखा भी गया है ना, कि अभी भी कई सारे ऐसे योगी हैं जिनको कभी खाना नहीं खाते, खाना नहीं पीते हैं, ये पानी नहीं पीते हैं, ऐसा करके बोला जाता है, और इससे पहले भी कई सारे ऐसे योगी हुए हैं जिनके बारे में ऐसा बोला जाता है, तो उसको हमको इसी चीज से समझना चाहिए कि क्या है, उन्होंने इस पर संयम किया तो इस कारण से क्या है, भूख प्यास से निवृत्ति मिल गई। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट नंबर का सूत्र है कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, है ना, तो कूर्मनाड़ी, ठीक है, नाड्याम इज रिलेटेड टू नाड़ी, तो कूर्मा का जो नाड़ी में संयम करने से क्या है, हमको स्थिरता होती है। अच्छा बताइए, हम लोगों ने नाड़ियों के बारे में पढ़ा है बाकी ग्रंथों में, तो कितने प्रकार की नाड़ियां हैं हमारी, मुख्य नाड़ियां कितनी है, यह तीन मुख प्रकार के हैं, इंद्रा पिंगला नाड़ियां तीन है, यस, प्रकार और तो इसे उसके बाद पद्मजा और, नाड़ियां, हाँ और मैम हाँ मुख्य 10 मानी गई है, और ऐसे हाँ तो शिव संहिता में 72,000 नाड़ियों का उल्लेख है, और कहीं कहीं पे 3 लाख नाड़ियों का उल्लेख है। शिव हाँ यस, वेरी गुड, है ना, संहिता में तो 3.5, बहुत अच्छा सौरभ जी। हाँ, चलिए 3.5 लाख, यस। एक चीज और कह रही थी, आप लोग ना इसका चार्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन से में कौन कौन सी नाड़ियों का वर्णन किया गया है, क्योंकि कुछ कुछ आप लोग योग उपनिषद जब पढ़ेंगे ना तो उसमें वेरिएशन है, और उसका जो जी मैम, सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी मैटर करता है, क्योंकि हमारे योगा के पेपर में है ना सीक्वेंस पूछता ही है, तो आप लोग उस चीज को थोड़ा मेंटेन करेंगे, है ना। तो अब देखिए, उक्त कूप के नीचे वक्ष स्थल में क्या है, कछुए की आकार वाली क्या है, नाड़ी है, कूर्म का अर्थ ही क्या होता है, कछुआ होता है, तो कछुए की आकार की नाड़ी है, और उसी में संयम करने से क्या है, शरीर की स्थिति प्राप्ति होती है, अर्थात चित्त और शरीर दोनों स्थिर हो जाता है, मतलब देखिए ये चित्त को भी स्थिर करने का एक उपाय है क्या, कि हम कूर्म नाड़ी में संयम करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा चित्त और शरीर दोनों स्थिर हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 32 नंबर, मैडम दिस इज द पार्ट ऑफ द लंग्स, कुल नाड़ी इट इज रिलेटेड टू द लंग्स, लंग्स एक्चुअली वो चेस्ट के पास में यस, होता है कुल नाड़ी, ऐसा बताया गया है। तो वो जो हाँ उसका शेप होता है जस्ट लाइक
नाड़ी मतलब कछुए के या टॉर्टॉइज के, तो जैसा होता है। उड़न के पास होता है। हाँ हाँ यस है ना। अब उसके बाद देखिए 32 नंबर का सूत्र है, तो उसमें कहते हैं मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, है ना, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। तो मूर्धा की ज्योति में संयम करने से क्या है, सिद्ध पुरुषों के क्या है, दर्शन होते। तो अब मूर्धा बोलते किसको है, आप लोग कुछ कुछ ग्रंथ में दिया गया है स्वयं की मूर्धा होता क्या है ना। तो सिर के कपोल में एक छिद्र है, इसी को क्या कहते हैं, ब्रह्मरंध्र। तो हम लोगों के में तो पता नहीं चलता है, लेकिन छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो कुछ समय तक क्या है, उसका सिर यहाँ पर ऊपर में जस्ट हम लोग जहाँ पर को ब्रह्मरंध्र कहते हैं है ना, वहां पर का कोला होता है कि मतलब वो थोड़ा सॉफ्ट सा रहता है, फिर धीरे धीरे क्या है वो हार्ड होते जाता है। तो वही क्या है हमारा मूर्धा है ना। तो इसी को क्या है, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। वहां जो प्रकाशमयी ज्योति है उसमें संयम करने वाले को पृथ्वी और स्वर्ग लोक में के बीच में विचरणने वाले सिद्धों के दर्शन होते हैं, है ना। तो जो हमारी मूर्धा है तो उसी की ज्योति में क्या है, संयम करने से जो पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में, तो सिद्ध पुरुष कौन हुए, जो पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में विचरण कर रहे हैं, उनका क्या है, दर्शन होता। अच्छा अब आप लोग बताइए, सिद्ध पुरुषों का वर्णन किस ग्रंथ, किसी ग्रंथ में आप लोग सिद्ध पुरुषों के बारे में पढ़े हैं। मैम, सिद्ध सिद्धांत पद्धति एग्जैक्टली में है जिसमें अवधूत के लक्षण एक चैप्टर है मैम। करेक्ट मैडम, अवधूत ये वो अवधूत योगी के चैप्टर लक्षण है मैम, चैप्टर में है सिद्ध मैडम सिद्धांत। सिद्धांत के। और मैम इस शिव संहिता में शायद वर्णन है मैम, अच्छा, घेरण संहिता मैंने दिया है, घेर संहिता में नहीं, दिया गया इसमें है मैम दिया हुआ है लक्षण 33 गुरुओं के हठ नाम। योग प्रदीपिका में, 32 नाथ योगी का, 32 नाथ योगियों के नाम दिए हुए हैं हठ मैम योग हठ प्रदीपिका में। प्रदीपिका में वो दिया नाथ है ना, संप्रदाय के हैं, लेकिन सॉरी वो सॉरी हठ प्रदीपिका दिए हैं स्वरूप जी, वो हठ नाथ प्रदीपिका, संप्रदाय के हैं वो भी बोल सकते हैं। हाँ तो आई थिंक हठ प्रदीपिका है कि घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका है मैम, जिसमें प्रदीपिका, बत्तीस ओके नाथ ओके योगियों के सॉरी। नाम दिए हैं, तो उसमें क्या है, 32 या 33, 33 है क्या, आई थिंक 32 32 32 है बत्तीस मैम। ओके है ना। तो में बत्तीस है बाबर है, मतलब नाथ है, सिद्धनाथ है, ऐसे भी याद नहीं है मुझको। नाथ है, चटपटी नाथ सूत्र, है, हाँ नहीं, सूत्र याद नहीं है आप लोगों को, किसी को, मुझे मैम सूत्र सूत्र तो याद था, नहीं पता याद है, नहीं अभी नाम भी याद लगी है। है। हाँ याद था, अभी भी पता नहीं याद होगा, स्टार्टिंग का मैं भी बोलूँ, लेकिन एक बार याद वो करूंगी तो रिकॉल करूंगी तो हो जाएगा, है ना। तो आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं, है ना, और फिर अगर वो याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो जब हम सिर के कपोल में जो छिद्र है हमारा मूर्धा है उस पर संयम कर लेते हैं, तो क्या है, हमको सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। और ये सिद्ध पुरुष कौन है, जो पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में क्या है, विचरण कर रहे हैं। अब उसके बाद 33 नंबर का सूत्र कहते हैं कातिभाद्वा शर्वम, अर्थात क्या, वा अथवा, ठीक है, एक तो ये हो गया मूर्धा की ज्योतिषी, उसके बाद, और फिर उसके बाद प्रातिभा क्या, प्रातिभ ज्ञान से बिना किसी संयम के ही, जब प्रातिभ ज्ञान हो जाएगा तो सर्वम अर्थात योगी को क्या है, पहले कही हुई सारी बातों का ज्ञान हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, इतने प्रकार के संयम बताए गए हैं कि आप इसमें संयम करोगे, मतलब सूर्य में संयम करोगे तो 14 लोकों का ज्ञान होगा, और ध्रुव तारा पे संयम करोगे तो तारों की गति का ज्ञान होगा, ऐसा ऐसा। लेकिन इन सब के अलावा आपने संयम नहीं किया, बिना किसी संयम के ही आपको सारी बातों का, ये जितनी भी स्थितियां बताई गई है, विभूतियां बताई हैं, वो सब बातों का क्या है, आपको ज्ञान हो जाएगा, कब, जब प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होगा। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या है ये प्रातिभ ज्ञान। तो जिसका वर्णन इसी पाद के 36वें सूत्र में किया गया है उसका नाम क्या है, प्रातिभ ज्ञान है, यह विवेक जनित ज्ञान का पूर्व रूप है। अब देखिए यहाँ पर प्रातिभ करके बोल दिया गया, प्रातिभ ज्ञान करके, तो आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन की क्या है प्रातिभ ज्ञान, है ना। तो वो 36 नंबर के
श्लोक में बता दिया है, ऐसा बोल रहे हैं। और ये एग्जैक्टली है क्या? तो विवेक जनित ज्ञान का क्या है? पूर्व रूप है। मतलब कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आता, स्टेजेस में आती है ना। तो विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से पहले क्या उत्पन्न होता है? प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे कि सूर्य की प्रभा से, जो कि सूर्योदय से पहले कुछ पहले प्रकट होता है, मनुष्य जब वस्तुओं को देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से क्या है? योगी सब कुछ जान जाता है। मतलब देखिए, सूर्य जब उगता है ना, तो वो कितना एकदम मतलब काफी तेज रहता है ना सूर्य जब वो होता है, तो वो डायरेक्ट आ जाता है क्या? नहीं आता है ना। ओ आई थिंक समवन इज ट्राइंग टू जॉइन मी। ओके हाँ, तो सूर्य अब एकदम से डायरेक्ट आ जाता है क्या? पूरा अपने एकदम हाई टेम्परेचर में जैसा दोपहर में रहता है वैसे नहीं। पहले जब वो आता है तो थोड़ी थोड़ी लालिमा लेकर के आता है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होता है। तो उसी प्रकार क्या है, विवेक ज्ञान जब उत्पन्न होता है, तो उसके आने के पूर्व क्या है? प्रातिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो सूर्योदय का, सूर्योदय से हम कंपेरिजन कर रहे हैं विवेक ज्ञान को, और सूर्योदय के पूर्व जो लालिमा उत्पन्न होती है क्या होता है? हमारा प्रातिक ज्ञान। ठीक है, दोनों का अगर कंपेरेटिवली बात करें तो अगर आपको प्रातिक ज्ञान हो गया, तो ये सब सारी बातों का, इससे पहले जितनी विभूति या सिद्धियां हो भी गई हैं, उन सब बातों का आपको ऐसे ही ज्ञान हो जाएगा। अब उसके बाद 34 नंबर का सूत्र है, उसमें कहते हैं हृदय चित्त संवित, अर्थात हृदय में संयम करने से क्या है? चित्त संवित, अर्थात क्या? चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो अब उसके बाद इस ब्रह्मपुर नामक हृदय देश में गर्त गड्ढे के आकार वाला कमल है। मतलब देखिए, जो हमारा हृदय प्रदेश है उसको क्या बोला गया है? ब्रह्मपुर कहा गया है ना। हाईलाइट करके लिखिए गया इस चीज को। तो गड्ढे के आकार वाला क्या है? कमल है। और वह क्या है? चित्त का स्थान है। तो चित्त का स्थान क्या हुआ? हमारा हृदय प्रदेश है ना। और उसमें संयम करने से वृत्तियों सहित चित्त का ज्ञान हो जाता है। तो वृत्तियों से चित्त का ज्ञान हमको कब होता है? जब हम हृदय पर संयम करते हैं तब। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ क्या बोलते हैं, चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने से विवेक होते ही फिर उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो इसी को लेकर के अगले सूत्र में कहते हैं, मतलब क्या है, सबको सबसे पहले आपको चित्त के स्वरूप का ज्ञान होगा। चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने से क्या है? विवेक ज्ञान होगा। और विवेक ज्ञान होगा तो क्या है, पुरुष अपना स्वरूप के बारे में जान जाता है, उसको अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड क्या है नेक्स्ट, हमारा जो 35 नंबर का सूत्र है, वो कहते हैं सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोर प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्, है ना। तो सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थ स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्, है ना। तो सत्व का अर्थ क्या होता है? बुद्धि से, है ना। और पुरुष का अर्थ क्या? पुरुष। अब ये दोनों क्या है? अत्यंत भिन्न है। तो वो दोनों प्रकार से कभी सम्मिलित होने वाले नहीं होते हैं। लेकिन इसको कब पुरुष क्या है, मतलब एक मिला हुआ अपना स्वरूप समझता रहता है बुद्धि के साथ, वो क्या है, उसको स्वयं का अंश समझने लगता है ना। तो ऐसा नहीं है, वो दोनों क्या है? अलग अलग है। वो दोनों को जब तक एक समझता रहता है, तब तक क्या है, वो उसको मतलब विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई रहे। लेकिन जैसे ही विवेक ज्ञान होता है, तब वो जान जाता है कि यार कि दोनों अलग अलग है। इस चीज को हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, है ना। तो अत्यंता संकीर्णय हो मतलब क्या है, वो दोनों क्या है, परस्पर भिन्न है। ठीक है, सत्व और बुद्धि दोनों ही। और इन दोनों की प्रत्यया विशेषः, अर्थात जो प्रतीति का भेद है वही क्या है, भोग है। मतलब क्या है प्रतीति का अर्थ, मतलब आप लोग समझ लो कि उन दोनों को हम एक समझ रहे हैं, तब प्रतीति का अभेद है, सॉरी, मतलब जो प्रतीति है ना, उसका उसके बारे में मतलब उसका ज्ञान जो हो रहा है, दोनों को हम क्या है, एक सा समझ रहे हैं। मतलब अभेद मतलब क्या, कि भेद मीन्स अलग अलग, अभेद मतलब मिला हुआ। तो दोनों को, जब पुरुष और प्रकृति दोनों को मिला हुआ जब समझ रहे हैं, वही क्या है, भोग है। लेकिन
परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ परिधि है ना, परार्थात अर्थात परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ परिधि, मतलब परार्थ क्या, मतलब वो प्रकृति के बारे में जब वो कर रहा है ना, लेकिन स्वार्थ अर्थात क्या, जब स्वयं के स्वरूप में संयम कर रहा है, तो उसमें संयम करने से क्या है, पुरुष को, पुरुष का ज्ञान होता है। व्याख्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। तो बुद्धि और पुरुष दोनों सर्वथा भिन्न है, उनका कोई मेल नहीं है, क्योंकि बुद्धि परिणामशील जड़भोग्य और चंचल एवं पुरुष अपरिणामी चेतन भोक्ता और असंग है ना। तो ये परिणामशील जड़ भोग्य चंचल ये सब क्या है, प्रकृति के गुण है और इसी से उत्पन्न हुआ बुद्धि है, इस कारण से क्या है, ये सब बुद्धि के भी गुण। लेकिन पुरुष क्या है, अपरिणामी है, चेतन है, भोक्ता है और असंग है, लेकिन अविद्या के कारण उसकी क्या है, एकता सी हो रही है। तो अविद्या में यही होता है ना कि वो जो चीज नहीं है, मतलब जो अनित्य है उसको नित्य इत्यादि समझ रहा है। तो ये कब होता है, जब बुद्धि और पुरुष क्या है, वो दोनों को एक सा समझता रहता है तब, है ना। तो इस एकता के कारण दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं होता है, मतलब दोनों को मिला जुला समझ रहे हैं। तो इसी कारण से क्या है, उसको कहा गया जी, अलग अलग ज्ञान नहीं होता, एक मिला हुआ ज्ञान होता है उस दशा में, जड़ बुद्धि में, जो कि पुरुष की चेतना से चेतन सी हो रही है, मतलब बुद्धि स्वयं चेतन नहीं है, क्योंकि पुरुष चेतन है, इस कारण से जब वो बुद्धि के संपर्क में आता है, तो बुद्धि भी क्या है, चेतन, क्या हो गया, कहा गया, पुरुष की चेतना के कारण क्या है, वो भी चेतन हो जाती है बुद्धि, जो कि सुख दुख और मोह रूप नाना प्रकार के वृत्तियों का उदय होता है, ठीक है। और ये जब चेतन हो जाते हैं ना, तो उसी के कारण क्या है, अलग अलग प्रकार के जो वृत्तियों का और ये सब सुख दुख इत्यादि क्या है, उत्पन्न होते हैं, और वह वृत्ति क्या है, अविशेष या अभिन्न मिश्रित है ना, वो अविशेष है। और क्योंकि इससे चित्त के धर्म सुख दुख मोह आदि चित्त में प्रतिबिंबित चैतन्य पुरुष में अध्यारोपित होते हैं। मतलब देखिए, जब तक आप दोनों को एक समझ रहे हैं, तब तक वह क्या है, भोग है ना। और फिर उसके बाद ये बोला गया है कि वृत्ति यद्यपि चित्त का धर्म है, परंतु पुरुष के लिए इस कारण क्या है, परार्थ है। मतलब चित्त का धर्म क्या है, वृत्ति उत्पन्न होना ही, चित्त मतलब चित्त में ही वृत्तियां उत्पन्न होती है ना। तो इस कारण से क्या हो गया, वो उसका धर्म हो गया। धर्म मतलब जो चीजें उत्पन्न होती है, उनसे जो कार्य होता है, उसको धर्म कहते हैं, हमने एक दो दिन पहले ही क्लास में पढ़ा है। परंतु ये पुरुष के लिए क्या है, परार्थ है ना। और इसी दशा में इस भोग रूप वृत्तियों से भिन्न दृष्टा पुरुष के स्वरूप विषयक वृत्ति होती है, वह पौरुषेय यह वृत्ति स्वार्थ है, क्योंकि उसका विषय क्या है, पुरुष है। मतलब इन दोनों से भिन्न करके जब बोल रहे हैं, है ना, तो उससे भिन्न क्या है, जब वो खुद के स्वरूप में संयम करेगा, है ना। पौरुषेय वृत्ति स्वार्थ है, स्वरूप विषयक, दृष्टा पुरुष के स्वरूप विषयक, क्या मतलब, वो जब अपने स्वरूप के बारे में उसकी जो वृत्ति होती है ना, वह क्या हुआ, स्वार्थ हुआ। लेकिन जब वो प्रकृति के बारे में सोचता रहेगा, बुद्धि के बारे में सोचता रहेगा, तब तक क्या है, वो परार्थ है, क्योंकि उसका विषय पुरुष है। मतलब वो जब स्वयं के स्वरूप में संयम कर रहा है, तो उसका विषय पुरुष है, और वह भी उसके लिए है ना, वह परार्थ नहीं है, मतलब उसके स्वयं के लिए है ना, स्वार्थ, ठीक, उसके स्वयं के लिए है, वो दूसरे के लिए नहीं है। तो इस स्वार्थ वृत्ति में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है, ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो यद्यपि ज्ञान बुद्धि का धर्म है, बुद्धि के हमने अलग अलग प्रकार के क्या है, आठ धर्म पढ़ देते हैं ना, शुरू के क्लास में ही पढ़ाया था मैंने। तो अतः उस बुद्धि के धर्म रूप ज्ञान से पुरुष नहीं जाना जाता है, किंतु बुद्धि में जो पुरुष का चेतन रूप प्रतिबिंबित है, उसको दर्पण में अपना मुख देखने की भांति क्या है, पुरुष देखता है। मतलब बुद्धि ये सब कार्य तो नहीं कर सकती है ना, लेकिन क्या है, वो पुरुष के का प्रकाश जब उसमें पड़ता है, तो उसके कारण से क्या है, वो चेतन रूप जो पुरुष है ना, बुद्धि में जो पुरुष का चेतन रूप प्रतिबिंबित है, उसमें क्या है, अपना मुख देखने की भांति पुरुष देखता है, ठीक है। और इस प्रकार उक्त संयम से योग रूप तो क्या है, पुरुष का ज्ञान हो जाता है। मतलब इसको डायरेक्टली आप लोग ऐसा याद रखिए कि जब तक क्या है, दोनों एक दूसरे, मतलब दोनों का मेल तो संभव नहीं है, ठीक है। इतने तक का मतलब यही है कि बुद्धि और पुरुष दोनों क्या है, स्वभाव से भिन्न है, उन दोनों का एक रूप हो पाना संभव नहीं है, लेकिन इन दोनों की प्रतीति का अभेद है,
मतलब दोनों क्या है, मिले जुले से हमको जो प्रतीत हो रहे हैं वही क्या है, भोग है। और परार्थ प्रतीति से जो भिन्न स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने से क्या है, गुरु का ज्ञान होता है। एक मिनट, मैंने अपने इस चीज को नोट्स में आई थिंक अच्छे से लिखा था, मैं दिखाती हूँ अस्तित्व है। जैसे, मैंने अपने नोट्स में इसको अच्छे से लिखा था, मुझे याद है, मैंने भेज इसमें ये दिया है भी दिया है, आपको। जो बुद्धि है मैडम ना, ये प्रकृति का विकार है, और उसके बाद जो पुरुष है वो तो चेतन है। तो ये तो अलग अलग प्रतीत होते हैं। अगर लेकिन जब हम बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से सत्गुण आ जाएंगे, और चूंकि पुरुष तो पहले से शुद्ध है, वो तो ये करता नहीं है, जब इनका संभाव हो जाएगा दोनों का, मतलब किसका, बुद्धि रूप हो जाएगी, पुरुष भी शुद्ध है, जब इसमें दोनों में संभाव हो जाएगा, दोनों एक तरह से देखेंगे, तब जाकर के हमको कैबल प्राप्ति होती है। क्योंकि इसमें 3.55 दिया है, सत्य पुरुषो शुद्ध सामे कैबल्यम, जो सत्य पुरुष इसमें दिया है मैडम ने, 3.5 में दिया है कि जब दोनों समान भाव हो जाए, मतलब बुद्धि विकार न होकर के अव्यक्त फॉर्म आ जाएगा और शुद्ध हो जाएगी, यानी प्रकृति से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, प्रकृति से बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इस कारण से मैं ये यहाँ पर लिखी हूँ इसका, है ना। आप थोड़ा सा नोट्स जब देखेंगे थोड़ा देख करके लिखिएगा। तो देखिए, अत्यंत भिन्न और बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप में ज्ञात होना क्या है, भोग है। भिन्न मतलब क्या, अलग होता है, लेकिन क्या है अभिन्न मतलब क्या, हम दोनों को एक सा समझ रहे हैं, बुद्धि और पुरुष को। तो ये दोनों को जब हम एक समझते रहते हैं, मतलब अभिन्न नहीं है ऐसा समझते रहते हैं, तब वो क्या है, भोग है, जो कि बुद्धि के परार्थता के कारण होता है। मतलब पुरुष क्या है, अभी बुद्धि के संपर्क में है, तो इसी कारण से क्या है, दोनों एक प्रतीत होते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, भोग कहा जाता है। लेकिन इस भोग रूप ज्ञान से भिन्न, मतलब वो जो प्रकृति बुद्धि के उसमें है ना, जब उसके बारे में सोचता है, उससे भिन्न क्या है, केवल पुरुष स्वार्थ मतलब अपने संबंधी ज्ञान में क्या है, जब वो संयम करेगा है ना पुरुष, तब उसको क्या है, पुरुष का ज्ञान होता है या पुरुष का साक्षात्कार होता है। ये मैंने लिखा है पातंजल योग संपूर्ण, ठीक है, वहां से ये व्याख्या मैंने लिखा था। तो अब उसमें क्या है, दोनों को जब हम एक सर समझते हैं तब वो भोग है, और ऐसा किस कारण होता है, बुद्धि के परार्थता के कारण। मतलब क्या है, पुरुष उस समय बुद्धि के संपर्क में होता है, तो वो दूसरे पर संयम कर रहा है, तो उसको क्या है, उसके बारे में, खुद के बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब वो खुद के स्वरूप में संयम करता है तब उसको उसके खुद के स्वरूप का ज्ञान होता है। देखिए जैसे कि इस चीज को हम लोग अपने ही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, है ना। जब तक हम लोग क्या है, ये दुनिया भर के बारे में मतलब दूसरे चीज के बारे में सोचते रहते हैं, तब तक हमको अपने बारे में पता चलता है क्या, हमारा सेल्फ ग्रोथ हो पाता है क्या, नहीं। लेकिन जब हम अपने ऊपर काम करना चालू करते हैं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है, हम अपने चीज अपने बारे में कब जान पाएंगे, है ना, जब हम खुद पर फोकस करेंगे। तो इसी कारण से बोल रहा है कि इसमें जब वो बुद्धि के कंट्रोल में रहता है, उसके साथ में रहता है, तब उसको क्या बोलते हैं, भोग कहते हैं, और ये ऐसा परार्थता के कारण होता है। लेकिन उसको अपने खुद के स्वरूप का ज्ञान कब होता है, जब वो स्वार्थ मतलब स्वयं में पुरुष संबंधी ज्ञान में संयम करता है तब, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट नंबर का सूत्र देखते हैं, कहाँ गई थी, हाँ, तो उक्त संयम से पुरुष का ज्ञान होने के पूर्व जो सिद्धियां योगी के सामने आती हैं उनका वर्णन करते हैं। मतलब अब पुरुष को जो स्वयं के स्वरूप के बारे में ज्ञान होगा, वो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं होगा, है ना, तो उसको करने, वो ज्ञान होने के पूर्व जो जो उसको सिद्धियां योगी के सामने आती है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते, है ना, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, है ना। तो यहाँ पर देखिए उस मतलब इसमें क्या है, स्वार्थ के बारे में बात की है ना, स्वार्थ में मतलब स्वयं के स्वरूप में जब वो संयम करता है तो उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है,
तो ततः अर्थात उसमें संयम करने में, स्वार्थ के संयम से क्या है उसको प्रातभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता, ये क्या है 6 प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती है। और ये भी एक बार क्वेश्चन में आया है, मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था अपने टाइम पे, है ना। तो ये 6ों सिद्धियां क्या है, ग्रहीत्र विषयक समाधि के साधन में लगे हुए साधन को पुरुष ज्ञान के पहले प्राप्त होती है। अब आप लोग मुझे कल बताइएगा कि ग्रहीत्र विषयक समाधि होता का क्या है, ठीक है, क्योंकि इस चीज को हमने पहले ही समाधि पाद में पढ़ लिया था। अब एग्जैक्टली मैं भी अभी नहीं बता पाऊंगी कि कौन से वाले को होते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा फोकस करके ढूंढेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ग्रहीत्र विषयक समाधि है क्या, है ना। तो इनके लक्षण इस प्रकार है, तो पहला है प्रातिभ, ठीक है, इसका वर्णन 33वें सूत्र में आया है। इससे भूत भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुओं को क्या है प्रत्यक्ष हो जाता है ना। तो 33 नंबर के सूत्र में क्या पढ़ा है हम लोगों ने, क्या पढ़ा है जी, ओ सॉरी इट्स 33। बोलो ना आप लोग कैसे कुछ नहीं बोलते हो, हेलो। प्रातिभा सर। हाँ क्या है उसका मतलब, क्या है आप लोग नोट्स क्लास में लिख रहे हैं ना, मैं पढ़ा रही हूँ उसका, नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते आप लोग, क्लास में कोई नहीं है क्या, मैडम हाँ है ना बनाते मैम, बना रहे मैम, जो आप बोल रहे हो लिख रहे हैं, जैसा भी हैं लिखा तो रहे आप हैं लोग आंसर। इतना क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर कैसे नहीं दे रहे हैं, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, है ना, मैं भूल जाती हूँ बार बार कि मुझे क्वेश्चन नहीं करना है। चलिए तो इससे क्या है, भूत भविष्य वर्तमान, है ना, प्रातिक ज्ञान जब हम को प्राप्त होता है तो भूत भविष्य ज्ञान का, भूत भविष्य और वर्तमान अर्थात तीनों काल के बारे में एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुओं का भी क्या है प्रत्यक्ष हो जाता है। इससे पहले भी हमने ये सूक्ष्म प्रकृष्ट ज्ञानम करके इनके बारे में पढ़ा है, अब कहाँ पर पढ़ा है आप लोग देख लेना, ठीक। फिर उसके बाद है श्रावण, तो इससे क्या है दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है, ठीक है, श्रावण रिलेटेड है हमारे श्रवण से, ठीक है, जिसे हम सुनते हैं, तो श्रावण ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है तो दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। फिर उसके बाद है वेदन, है ना, तो इससे वेदन इज रिलेटेड टू, जैसे हमको कोई टच करता है, अब किसी चीज में हमको चुभेगा तो वेदना दर्द होती है ना, तो इससे क्या है दिव्य स्पर्श, आप इसी से याद रखेंगे इसको, तो दिव्य स्पर्श को अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। उसके बाद आदर्श, ठीक है, तो इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। देखिए आदर्श को आप लोग कैसे याद रखेंगे, किसी किसी को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, जैसे कि भगवान राम को, ठीक है, हम अपना आदर्श मानते हैं, तो उनका रूप क्या है दिव्य, है ना, तो इससे क्या है दिव्य रूप को दर्शन करने की शक्ति आ जाती है, ऐसा याद रखेंगे आप लोग, ऐसा बता दूंगी ट्रिक, ठीक। अब उसके बाद है आस्वाद, ठीक है, स्वाद समझ में ही आ रहा है ना, जीभ से ही हम लोग लेते हैं, तो इससे क्या है दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। फिर उसके बाद है वार्ता, है ना, 6वें नंबर का, इससे क्या है दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। बस यहाँ पर आपको इसी में कंफ्यूजन होगा, है ना, वार्ता मतलब बोलना, लेकिन ये रिलेटेड है गंध को अनुभव करने की, मतलब इट इज रिलेटेड टू आवर नॉस्ट्रिल, है ना, हमारे घ्राण इंद्रियों से संबंधित है ना, तो वार्ता के द्वारा क्या है दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन तो एक बार आया था, है ना, तो प्रातिप श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता क्या है, ये 6 प्रकार की वृद्धि क्या है सिद्धियां हैं, और ये हमको कब प्राप्त होती है, तो ये देखिए ग्रहित्री विषयक समाधि के साधन में लगे हुए साधक को पुरुष ज्ञान के पूर्व क्या है, मतलब स्वरूप अपने स्वरूप ज्ञान बारे में ज्ञान होने के पूर्व क्या बोलते हैं जी प्राप्त होती है। एक चीज और,
ये ग्रहित्री विषय समाधि बोल रही हूँ ना, अगर आप लोगों को पढ़ के आने का मन करे कल तो कल आकर के बताना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इन सिद्धियों में अब वैराग्य करने के लिए कहा गया है, मतलब ये सब अब इतनी प्रकार की सिद्धियां मिली है, इसके बारे में पता चल जाएगा, उतने इसके बारे में पता चल जाएगा, तो ये तो एक तरह से सुपर पावर हुआ ना। सोचो तो आपको आपके भविष्य के बारे में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। हमको अपने पास्ट के बारे में, वर्तमान के बारे में, तो इन सब के बारे में पता चल रहा है, और बहुत प्रकार की सिद्धियां बताई गई है ना। तो इन सब में अब वैराग्य करने के लिए कहा गया है। तो अब क्यों कहा गया है इसको, 37 नंबर का जो सूत्र है उसमें बताते हैं, तो ते समाधव सर्गा व्युत्थानी सिद्धया। तो उक्त छह प्रकार की सिद्धियां, ठीक है, इसे ते का अर्थ क्या है, वे। तो इससे पहले क्या है, हमने छह प्रकार की सिद्धियां पढ़ी, तो समाधव, ठीक है, समाधि की सिद्धि में अर्थात पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने में क्या है, उपसर्ग अर्थात क्या है, विघ्न, और व्युत्थान में क्या है, सिद्धि है। मतलब ये जो हमको छह प्रकार की सिद्धियां जो साधक के सामने आई है, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, तो ये सब क्या है, इनका हमको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये उसके साधन में क्या है, विघ्न रूप है। मतलब जब हम समाधि की साधना करते हैं तो उसमें क्या है, विघ्न रूप। तो क्यों विघ्न रूप है, तो जिसका चंचल, जिसका चित्त चंचल है, जो साधक नहीं है, जो समाधि की आत्मोद्धार की आवश्यकता नहीं समझता है, ऐसे मनुष्य को किसी कारण से प्राप्त हो जाए तो उसके लिए अवश्य भी ये सिद्धियां हैं, है ना। मतलब जिसको समाधि नहीं चाहिए तो उन सब के लिए क्या है, ये सिद्धियां हैं, है ना। लेकिन जिनको समाधि चाहिए उनके लिए क्या है, विघ्न है। अब देखिए सपोज, हाँ, इसको कैसे समझ सकते हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, है ना। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका नेट क्लियर हुआ और जेआरएफ नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स से हम लोग रह गए, तो अब रिजल्ट आ गया, अब उनको क्या है, जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना था। तो अब अच्छे से मोटिवेशन आना चाहिए ना कि नहीं, अब तो हमको जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना है। तो जेआरएफ क्या हो गया हमारा, समाधि, ठीक है, और नेट का एग्जाम जो क्लियर हुआ है वो क्या हो गया, सिद्धि। अब लेकिन जिसको जेआरएफ नहीं करना है तो उसके लिए ये नेट हो गया, वही क्या है, सिद्धि है। लेकिन जिसको जेआरएफ करना है, लेकिन अब उसको क्या है, उसके लिए ये नेट का एग्जाम हो गया, वो क्या है, एक तरह से विघ्न है। क्यों, क्योंकि अब नेट तो क्लियर हो गया भैया, ऐसे करके क्या है, एकदम शिथिल होकर के बैठ जाएंगे, मतलब उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन अब उसको समाधि चाहिए, मतलब जारिफ चाहिए, मतलब चाहिए, तो वो क्या है, इन सब को छोड़ करके क्या है, आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरह से, ये जो हमको जितनी भी सिद्धियां मिलती हैं, तो वो क्या है, समाधि की सिद्धि में पुरुष को प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने में विघ्न है, और लेकिन व्युत्थान में क्या है, सिद्धियां हैं। अब सिद्धियां क्यों है, क्योंकि जब तक आपको ये सिद्धि मिलेगी नहीं, तब तक आप जानेंगे कैसे कि आप सही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तक ये सिद्धियां नहीं मिलेंगी, तब तक आपको क्या है, समाधि भी नहीं मिलेगी। तो इस कारण से क्या बोला गया है, व्युत्थान में सिद्धि है लेकिन समाधि की सिद्धि में क्या है, ये विघ्न है। क्योंकि तो इतना बड़ा बड़ा ताकत मिला है, अगर आप उसी को दिखाने में, मतलब उसी को क्या है, अब आपके पास गायब होने की शक्ति आ जाएगी तो आप लोगों को नहीं बताएंगे, अब आपको भविष्य को देखने की शक्ति आ जाएगी किसी का, तो आप वही काम नहीं करने लगेंगे कि नहीं आपके साथ ये होना है। तो ये प्रकार से विघ्न भी है और क्या है, सिद्धि भी है। अब उसके बाद एक मिनट देख लेते हैं ना, हाँ चल, एक एक सूत्र देख लेते हैं हम। बंधन बंध कारण से थिल्लात प्रचार संवेदना चित्तस्य पर शरीरावेशः, ठीक है। तो बंधन कारण शैथिल्यात अर्थात क्या है, बंधन के कारण क्या है, कर्म। मतलब हमारे जो बंधन का कारण क्या है, हमारा कर्म ही है, उसी के कारण हम लोग बंधन में पड़ते हैं। तो उसकी शिथिलता से, और चकर्थ, और प्रचार संवेदनात् अर्थात क्या है, चित्त की गति का क्या है, भली भांति ज्ञान से। तो प्रचार इज रिलेटेड टू चित्त की गति,
अर्थात क्या है उसके बारे में ज्ञान होने से, चित्त से क्या है चित्त का, पर शरीरा वेशा अर्थात क्या है दूसरे के शरीर में क्या है प्रवेश किया जा सकता है। तो इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, पहले व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो चित्त के बंधन का कारण क्या है, कर्म संस्कार है, कर्मों का फल भुगतने के लिए चित्त किसी एक शरीर में बंधे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। इस चीज को हम लोग पहले भी पढ़ है ना, अब उसको अपना फल भोगना है तो इस कारण से क्या है चित्त को मतलब कर्म संस्कार वगैरह इत्यादि के बारे में जब पीछे कहीं के ऊपर डिस्कस हुआ था तब बताए थे। तो इसी उसी कर्म के फल को भोगने के लिए क्या है उसको शरीर मिलता है, और उक्त बंधन के कारण कर्म संस्कारों को जब मनुष्य समाधि के अभ्यास द्वारा शिथिल करके चित्त को स्वच्छ बना लेता है, मतलब कर्म संस्कारों को क्या है हम शिथिल कर देते हैं तब समाधि का अभ्यास करते हुए, और साथ ही जिन जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरता है आता जाता है उन भली क्या है भली भांति जान लेता है, मतलब शरीर में एक मिनट है ना, चित्त क्या है मतलब किसी भी शरीर में आता है तो उसको प्रवेश करने क्या है अलग अलग मार्ग होते हैं, और वो चित्त की गति भी क्या है अलग अलग होती है। तो जब इसको जान लेता है तब उसमें यह सामर्थ्य आ जाता है कि वह अपने चित्त को शरीर से बाहर करके दूसरे के मृत या जीवित किसी भी शरीर में क्या है प्रविष्ट कर सकता है, और चित्त के साथ साथ इंद्रियां भी जहाँ चित्त आता है वहां वहां अपने साथ चली जाती है। देखिए हम इसमें कैसे बोला गया है कि चित्त किस तरह से आता जाता है, किस मार्ग से शरीर में आता जाता है और उसकी गति कैसे होती है, जब इस चीज को जान लेता है तो उसको क्या है चित्त को शरीर से बाहर और दूसरे की किसी मृत या जीवित शरीर में उसको प्रविष्ट कराने की शक्ति आ जाती है, और चित्त के साथ साथ ही क्या है जो इंद्रियां भी होती है वह उसके साथ चली जाती है। अब मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रही हूँ है ना, पहले एक वो वाला देख लेते हैं कि सपोज आप लोगों को क्या है गाड़ी ड्राइव करना आ गया, मतलब शुरू शुरू में क्या रहता है कि अब हम लोग जैसे छोटे रहते हैं तो हम लोगों को बाइक चलाने के लिए घर में मना करते हैं हमारे पेरेंट्स है ना, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं सीखते, तो क्या करते हैं जब मम्मी पापा लोग घर में नहीं रहते हैं तो चुपके से हम लोग निकालेंगे गाड़ी को और चला करके आ करके वापस रख देते हैं है ना। तो ये गाड़ी है हमारा जो बाइक है वही क्या है हमारा चित्त, ठीक है। अब उस गाड़ी को घर से निकालने का रास्ता कहाँ है, कैसे उसको लाना है ले जाना है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चित्त वो ठीक उसी तरह से क्या है शरीर में आने का जो मार्ग है ठीक है वो आपको पता चल जाएगा, तो उसे आप निकाल भी सकते हैं अपने शरीर से और वापस ला करके उसको अपने शरीर में वापस स्थित कर सकते हैं चित्त को जैसे गाड़ी को करते हैं, और उसकी गति का भी भली भांति ज्ञान हो जाता है, मतलब अब बाइक कैसे चल रहा है कैसे चलेगा कब कितने स्पीड में वो आपको पता नहीं रहेगा तो आप कर पाएंगे क्या नहीं। तो इसी तरह क्या है चित्त को हम जब उसके आने जाने का मार्ग और उसकी भली गति के बारे में जब ज्ञान हो जाता है इतना सामर्थ्य आ जाता है, तो योगी अपने चित्त को निकाल करके दूसरे के शरीर में चाहे वो जीवित या मृत व्यक्ति हो उसके शरीर में प्रविष्ट करा देता है, और वो जहां जहां जाता है उसके साथ क्या है इंद्रियां, अब इंद्रियां चित्त की साथी ही है ना, उसके बाद उत्पन्न होती है समस्त इंद्रियां। तो बाइक जब इधर उधर जाएगा तो उसके बाकी सारे पार्ट्स भी तो उसके साथ जाएंगे, तो ठीक उसी तरह क्या है चित्त के साथ साथ इंद्रियां भी जहाँ चित्त जाता है वहां वहां अपने आप चली जाती है। तो अब इसका एक अच्छा उदाहरण आदि गुरु शंकराचार्य है ना, तो उनका क्या है वो शास्त्रार्थ करते करते सब जगह को जीत लेती है लेकिन लास्ट में उनका शास्त्रार्थ होता है मंडन मिश्र है ना, तो मंडन मिश्र भी उससे हार जाते हैं। फिर उसके बाद अब मंडन मिश्र का तो विवाह हो गया रहता है तो उसकी पत्नी आती है, तो मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ तो अभी सिर्फ ये हारे हैं अभी मैं नहीं हारी हूँ, तो फिर उसके साथ उनका डिबेट होता है शास्त्रार्थ होता है ना, तो उसको वो कुछ प्रश्न पूछते हैं जिनका शंकराचार्य जी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उन प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए शंकराचार्य जी क्या है इस कहानी को मैंने आपको पहले और भी सुना चुका है ना, तो अपने चित्त को निकाल करके क्या है वो मृत राजा के शरीर में डालते हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण हुआ चित्त को अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराने का है ना।
तो इस तरह से आज की कक्षा यहीं तक। बताइए समझ में आया आप लोगों को कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट?